बॉलीवुड में अपनी अकड़ और रौब के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर राजकुमार की अदायगी की दुनिया दीवानी थी। राजकुमार का एक अलग ही अंदाज था। राजकुमार के आगे ना तो किसी के कुछ कहने की हिम्मत होती थी और ना ही कोई उनसे अपनी बेइज्जती कराना चाहता था। राजकुमार के दिल में होता था वही जुबान पर भी। किसी की कोई बात बुरी लगती थी तो तुरंत फटकार लगा देते थे। वो कब किसकी बेइज्जती कर दे ये भी कोई नहीं जानता था। आज हम आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाने जा रहे हैं जब राजकुमार ने धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल का भारी महफिल में मजाक उड़ाया था। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब एक फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी गई थी। ये पार्टी किसी और की नहीं बल्कि सुपरस्टार धर्मेंद्र की फिल्म के हिट होने की पार्टी थी। इस पार्टी में राजकुमार भी मौजूद थे। धर्मेंद्र की फिल्म राज तिलक सुपरहिट साबित हुई जिसके चलते इस पार्टी का आयोजन हुआ था। ये फिल्म उस वक्त की बड़े बजट की फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र के अलावा हेमा मालिनी, सुनील दत्त, कमल हसन और रीना रॉय जैसे दिग्गज कलाकार शामिल थे। पार्टी में सितारों के साथ उनके परिवार वाले भी शामिल हुए थे। वहीं राजकुमार की नजर एक नौजवान शख्स पर पड़ी। दिलचस्प बात यह थी कि ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल थे। उस वक्त सनी 28 साल के थे। पार्टी में सनी को देखने के बाद राजकुमार ने पूछा था कि ये शख्स कौन है भला। इसके बाद सनी देओल को राजकुमार से मिलवाया भी गया। एक बार फिर राजकुमार ने अपने अलग अंदाज में सनी का भारी महफिल में मजाक उड़ाते हुए कहा कि इतना गोरा चिट्टा लड़का भला किसका है, ये तो बिल्कुल आलू की तरह दिख रहा है। राजकुमार की ऐसी बात सुनकर सनी को भी गुस्सा आने लगा था। उनके चेहरे पर वो गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उस वक्त सनी ने राजकुमार से कुछ कहा तो नहीं था लेकिन वो राजकुमार को घूरने लगे। इसके अलावा उनके चेहरे के हाव भाव सब बयां कर रहे थे। सनी का ऐसा बर्ताव देखकर राजकुमार भी समझ गए थे कि जब सनी उन्हें घूर रहे हैं तो सच में उन्हें किसी बात का बुरा लगा है। ऐसे में राजकुमार वहां से तुरंत बाहर निकल गए। आपको बता दें कि सिर्फ सनी ही नहीं बल्कि उनके पिता धर्मेंद्र से भी राजकुमार का ऐसा किस्सा हो चुका है। एक बार धर्मेंद्र जब शूट पर आए थे तो किसी कारण से राजकुमार उनका मजाक बनाने लगे थे। धर्मेंद्र का मजाक उड़ाते हुए राजकुमार ने कहा था कि ये किस पहलवान को ले आए हैं, एक्टिंग करवानी है या फिर पहलवानी। ये बात सुनकर धर्मेंद्र को काफी बुरा लगा था। हालांकि बाद में दोनों के बीच के मजाक की ये बात खत्म हो गई थी। राजकुमार के बेबाकी के कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि वो घमंडी थे लेकिन उनका एक अलग अंदाज हुआ करता था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।